शर्मा जी, हाँ जी, होली आने वाली है, आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आपको भी एडवांस में, इसलिए मुझे पता है आपको एडवांस बड़ा अच्छा लगता है, चाहे पेमेंट हो चाहे बेस्ट विशेस, सबको अच्छा लगता है। और इस बार होली का मौका जो है इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार हमारे साथ होली मनाने पूरी बच्चन पांडे की स्टार कास्ट आ रही है। तो साथियों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाता हूं वेरी एनर्जेटिक, वेरी बिजी, फिर भी हमारे शो पे सबसे ज्यादा आने वाले मिस्टर अक्षय कुमार। जोरदार ताली अक्षय पाजी के लिए। पाजी, बच्चन पांडे के लिए बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साइड आ जा, इस साइड आ जा। हमेशा मैं यहीं खड़ा रहा हूँ, तू यहाँ खड़ा रहा है, पता नहीं कितने शो हो गए इधर। हाँ, बोल बोल बोल। होली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं पाजी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप होली खेलते हो, कैसे खेलते हो होली? मैं होली खेलता हूँ तमीज से, वरना लोगों को देखो, कुछ लोग तो रंग लगाने के लिए ऐसे पीछे आ जाते हैं जैसे बदला ले रहे हो, भाग रहे हैं पीछे, रुक रुक साले रुक। होली आदमी यहाँ लगाता है रंग, यहाँ लगाता, साले दांत तक घिस देते, मंजन कर रहे हम लोग। वैसे कुछ लोगों का तो होली का फायदा भी होता है। क्या? उनके ऊपर रंग लग जाता है तो घर वाले भी बोलते हैं, बेटा लगा रहने दे, लगा रहने दे, तू ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन इस होली का ना एक साइड इफेक्ट भी है। क्या? जिनकी शक्ल देखनी भी नहीं होती है ना, हाँ, वो भी साले मुंह पे रंग लगा के गले मिलके जाते हैं। वो I'm sure, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? ऐसा देखनी नहीं है इसकी शक्ल, नफरत है, आएंगे होली होली अबे गीली गीली चुमिया देके जाते हैं साले। और कई लोग देखते हैं कि किसी के मुंह पे बहुत सारा रंग लगा हो ना, और हम कहां लगाएं, वो फिर वेस्ट नहीं करते, उसकी कमीज उठा के ना पीठ पर रगड़ देते हैं। और जब पीठ पे रंग लग जाता है, उसके बाद किसी ने पानी डाला यहाँ पे, तो फिर जो रंग होता ना ऐसे ऐसे करके आपकी ऐसी ऐसी जगह जाता है ना, आपका अंग अंग हैरान हो जाता है कि ये रंग आ कहाँ से रहा है। उसके बाद ऐसा आदमी कमोड़ पे बैठे ना तो उसका बॉर्डर लाल हो जाता है, फिर वो देखता है रंग यहाँ तक पहुंच गया है। अरे कुछ लोग बड़े छाने होते हैं, वो ज्यादा रंग ना चढ़े इसलिए बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, है ना? जैसे ये अपना दिनेश है ना, दिनेश इतना सारा सरसों का तेल लगा लिया, बाद में फर्श पे ना टिके, कभी फिसल जाए। फिर ये फिसल के नाली में गिर गया और जो पकड़ने जाए उसके हाथ में भी ना आए। फिर जब नाली ने इसका तेल सोख लिया ना, हाँ, चार घंटे बाद निकाला हमने। अच्छा, होली तीन तरह की होती है। पहले जो होती है रंग से मनाते हैं, हाँ, फिर जो होती है लोग मिठाई खा के मनाते हैं, हाँ, तीसरी होली होती है जो 12 बजे शुरू होती है दारू के साथ, है ना? हैप्पी होली। अच्छा, वो शुरू सुबह घर से होती है, हाँ, शाम को फिर इन लोगों की डिलीवरी लेने थाने जाना पड़ता है, वहां पे बैठे रहते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कुछ लोग ना 3 पैक के बाद, हाँ, कुत्ते को टीका लगाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली बेटा। अरे बेचारे जानवर को क्यों लगा रहे हो, उसके मुंह पे टीका लगा रहे हैं और कह रहे हैं समी जी सॉरी, कुछ कुछ ऊंच नीच हो गई है तो माफ कर देना, ऐसे ऐसे होली मनाते हैं साले। और कुछ लोग सुस्त होली भी बनाते हैं। सुस्त क्यों आते हैं? बस उनको रंग लगाना चाहो तो वो आपको कहेंगे ठीक है, एक अपना टीका लगाएंगे, ऐसे गले मिले, गले भी नहीं हाथ मिलेंगे, सुस्त होली, और हैप्पी होली कह के चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे रंग लगाने नहीं, होली का अफसोस करने आए। सुस्त हैप्पी। अच्छा, आजकल तो नया तरीका भी, लोग व्हाट्सएप पे भी आपको रंग भेज देते ना, गुलाल वगैरह भेजते, कई तो अजीब जी मैसेज आते हैं। जैसे मुझे एक मैसेज आया, सुबह अलार्म बजा तो मैंने आंख खोली, भाभी बोली हैप्पी होली। तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार आया था मैसेज, हैप्पी होली मैसेज के अंदर उन्होंने साले ने क्या किया था, हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज एडिट कर दिया।
मुबारक हो, खुशियों से भरी बहार आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे का त्यौहार आपको, हैप्पी बर्थडे का त्यौहार। अच्छा आपके साथ भी ये सब होता है ऐसे मैसेज? हमारे साथ भी, हमारे साथ क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ भी बड़े कपिल शर्मा है। हर बात आप घुमा फिरा के मेरे पे क्यों ले आते हो? अच्छा हर फिल्म भी तेरे ही शो पे लेके आऊं? हाँ, और तो बात नहीं घुमाऊं, हर शो तेरी फिल्म पे। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। यस यू बेटर। लेकिन सबसे मजेदार होली होती है अर्चना जी की। ओहो, बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे फुला के उसमें रंग भरते ना, इन्होंने एक छोटा हाथी पाल रखा है, उसको 10 लीटर पानी पिलाते हैं कलर वाला, फिर हाथी को कंधे में रखे दबा फेंक सूट से। मुझे याद है एक दिन ना ये होली पर पी के एकदम टुन हो गई थी। और कह रही थी कि मैं सुबह से बाइक पर घूम रही हूँ, पता नहीं चढ़ नहीं रही है। बाद में इनको किसी ने बताया, जी अर्चना जी आप बकरे से उतरो। उसके पता ये क्या कर रही, उसके कान मरोड़ रही थी। फिर कहती है यार ये बकरा है तो मैंने तेल कहाँ डलवाया था। आगे की बात नहीं पता आपको, बकरे में तो तेल डलवा लिया, मोटरसाइकिल का मटन बना लिया इन्होंने, बाद में तरी में से टायर निकाल के बोलती अभी 3 सीटी और लगेगी, ये गला नहीं है, पुराना मानो होली है। दोस्तों ये तो चलो मस्ती हो गई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि होली मनाए लेकिन प्लीज किसी के साथ कोई भी गलत हरकत ना करें। मैं कहता हूं लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, फेस्टिवल है, इंजॉय करो, ऑर्गेनिक रंग खेलो, मस्ती करो, मासूम जानवरों को परेशान, उन्हें टीके ना लगाओ। तो गाइस हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली From बच्चन पांडे टीम एंड कपिल पांडे टीम। पाजी वैसे इतने हैंडसम है। हाँ जी आपकी होली हो गई शुरू आज ही। पाजी वैसे इतने हैंडसम है लेकिन कितने खतरनाक लग रहे हैं बच्चन पांडे में, पत्थर की आंख भी निकाल के वहां पर रख रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं, पर ये अक्षय कुमार ये कर सकते हैं, लोग मान भी लेते हैं। मैं तो तेरे सारे शो देखना चाहता हूँ, मैं अपनी एक आंख रख जाता हूँ यहाँ, सारे शो देख कर हूँ, वहाँ रख दियो एक। तो पांडे पूछ रहा था पाजी आंख निकाल रहे हैं, किडनी की पत्थरी भी निकाल देते हैं मेरे है, तो मैं ऑपरेशन करवाऊंगी नहीं। पाजी एक बात बताओ, जब मैं आपके पैर छूता हूँ तो ऐसे करके मैं आता हूँ? ये यू करता है यू? अरे मैं ऐसे करता हूँ, अब थोड़ा नीचे जाता है, अब जाता है, पहले तो यू पाजी। पाजी क्या पिछली बारी तेरे को आप लोगों को तो पता होगा कई रिश्तेदार होते हैं, उनसे झुका नहीं जाता। पाजी तो क्या इतने लंबे हैं ना कि मैं अगर यहाँ घुटने भी छूं तो ऑलमोस्ट पैर ही है। आप अपने जो गुरु के पैर छू रहे हैं है ना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो आप दिल से नहीं छू रहे थे कि गुरु जी का घुटना ऊपर आ गया था क्या? बच्चन पांडे है, उससे नहीं झुका जाता, वो यूं ही है, यहीं तक है बस। अक्षय बाजी एक बड़ी मजेदार रील देखी हमने इंस्टाग्राम पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ दिखाया जाए प्लीज। बाजी ऐसे ही कुछ करके आप अगर अपनी हीरोइन बुला लें, थोड़ा अलग डिफरेंट एंट्री हो जाएगी, ऐसा कुछ कर सकते हो यहाँ पे आप? कर सकते जाओ, कर सकते चलो, रेडी चलो भाई। आज ये आदमी इसको नहीं छेड़ सकता, देखो दोनों के रंग सेम है, भाई बहन, भाई बहन लग रहे हैं दोनों। व्हाट्स अप ब्रो? सेम कलर पहने से भाई बहन हो जाते हैं। वैसे सर हमने पूरे गाने में सेम कलर पहने, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं वो तो कृति के इमोशन तेरी भाई बहन एक कलर की वजह से नहीं, कृति के इमोशन जो दिख रहे हैं वो ऐसी फीलिंग आ रही है, सिस्टरली ब्रदरली थोड़ी सी ऐसे कुछ हुआ, टेलीपैथी। मारी शिकायत करूंगा मैं राहुल से। राहुल कौन? इनके पापा। मुझे लग रहा है यहाँ के ऑडियंस को भी पता चल गया है कि राहुल मेरे पापा। मैंने एक्चुअली किसी के पापा का नाम राहुल नहीं सुना आज तक,
बड़ा यंग पापा है ना इनके, पर बहुत प्यारी लग रही हो कृति आप. थैंक यू. आप भी. विटामिन सी लग रही हो पूरी. सत्रह लग रहे हो. थोड़े दिन पहले अभी साजिद नाडियाड वाला साहब के साथ यहाँ पे आई थी. Yes. आज फिर आई. उस दिन का अपना चार्जर भूल गई थी आप. मैं इनसे कंपीट कर रही हूँ. इस साल में कितनी फिल्में कर रही हैं कृति आप? मैं अभी अगर सब रिलीजेस टाइम पे आई तो 4 बार और आऊंगी. चलेगा पाजी देख लो. I'm telling you, ladies, अक्षय कुमार. I'm inspired. I'm ये आपके नक्शे कदम पे चल रही है. अच्छी बात है. मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री में कई लोगों को जानता हूँ, अब वो दो दो तीन तीन फिल्मों पे उतर आए. गुड. काम करना चाहिए. Yes. क्यों नहीं करना चाहिए? कई लोग तो ऐसे चलती फिल्म छोड़ के भुवनेश्वर से आके ये करके फिर भी ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ. कितनी बात बताइए, जैसे अक्षय पाजी ऐसे फोटो फेंक के अपने मनपसंद स्टार को बुला लेते हैं, जैसे उन्होंने आपको बुलाया, आपके पास ये पावर आ जाए कि आप ऐसे फेंके और कोई आ जाए, किसको बुलाना चाहेंगे आप? बहुत सारे हैं ऐसे तो. रायन गॉसलिंग. ये कौन है? रायन गॉसलिंग. ये काफी एक हॉट शख्स है. यस. आई थिंक शी विल आल्सो वांट हिम हियर. वी बोथ वी शुड डू दैट. रायन भोसले. रायन गॉसलिंग. अरे भोसले नहीं. अच्छा कौन है वो? बीच में कौन बुला सकते हैं? क्या नाम बताया? सॉरी मैं. रायन गॉसलिंग. आदमी है कि लेडी है जेंट्स है? बताओ यार, हमारी नॉलेज तो ऐसे बढ़ेगी. हम क्या? अच्छा हम लेडी क्यों बुलाएंगे ये बता हमें. है? आप कभी जेंट्स बुलाते हो ज्यादा? हम जेंट्स नहीं बुलाते. ये क्या सामने ये निर्मला देवी खड़ी हैं? मजबूरी में, मजबूरी में, क्योंकि उनके साथ फीमेल एक्टर्स आते हैं इसलिए तू बुलाता है. यू आर जस्ट जेलस बेब. ओके. अब वक्त है फिल्म से एक और खूबसूरत हीरोइन को स्टेज पे बुलाने का. प्लीज वेलकम. वेरी ब्यूटीफुल. मैं फिर वैसे ही बुला लूं? अब बुला लो, बुला लो. ये देखिए जो लड़कियां, ये होती हैं बिना रंग लगाए गुलाबी दिखती हैं. ये दिनेश ने इस चक्कर में एक बार मुंह पे गुलाबी रंग लगा लेगा तो मेरे को भी गुलाबी दिखना है. बैंगनी हो गया ये. जैकलिन, यू नो अबाउट होली? हैव यू एवर प्लेड होली? नहीं. वो हिंदी में बात करिए, आप इंग्लिश में कर लो. आपको इंग्लिश नहीं आती? होली नहीं खेली आपने कभी? नहीं अभी तक, लेकिन इस साल मैं खेलूंगी. कभी नहीं खेली? नहीं. इस साल ये होली खेलेंगी? वाओ. कब खेले हम बता दो. कहाँ खेलोगे? सबके साथ. क्या? कहाँ खेलेंगे? 18 मार्च को. हम भी आएंगे. सबके साथ, कास्ट के साथ. आए हैं. कुछ भी बोलो तुम, एबीसी भी सुना दो. हमें बड़ी प्यारी लग रही है ऐसी. कर दिए. जी पाजी जहाँ मर्जी आपका मन करो. बैठ जाओ जी, बैठ जाओ. ओह ओह माय गॉड. मैंने भी 3-4 फिल्में साइन कर रखी हैं. अच्छा हम लोग सब जाए क्या घर? अरे आप निकली नहीं अभी तक मेरे को. ओ भाई साहब कैसे हैं? जोड़ी. लोगों के सर पे इतने बाल नहीं जितने आपने मुंह पे रखे हैं. वाह मजा कर रहे हैं. वाह. जैकलिन एक बात बताइए, जब आप इमिग्रेशन फॉर्म भरती हैं जी, तो जैकलिन फर्नांडिस बहुत सारे लेटर्स हैं उसमें, एक ही फॉर्म पे आ जाता है कि दो लगते हैं आपको? एक ही फॉर्म. जैकलिन जेनेवी फर्नांडिस, एक्चुअली 3 नाम है. ओह वाओ. ओके वाओ. चल मैं मान जाऊं तू जैकलिन फर्नांडिस दी स्पेलिंग दस दे. आई हाय. चल जे ए वेरी वेरी जे ए हां क्यू सी सी कैसे गया? सी आएगा ना? फटाफट अभी लिख रहा है ऐसे. अरे मैंने देखा ही नहीं उस तरफ. एंड द मिडिल नेम? जेनेवीव. लेट्स ट्राई द जेनेवीव. जेनेवीव. वो तो टेलीप्रॉम्प्टर वाले को भी नहीं पता. आप सुना दो, आप तो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ी हैं, आप बताओ. नवजोत सिंह सिद्धू के स्पेलिंग आते हैं? दोस्तों अभी क्या है कि ये ना अभी अपनी दो हिरणों के साथ बैठे, इनका पलड़ा भारी है. मैं अपना साथ देने के लिए एक इंसान को बुलाना चाहता हूँ इस होली स्पेशल में और रंग जमाने के लिए. अब बुलाते हैं फिल्म बच्चन पांडे से एक और कमाल के अभिनेता को. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर अरशद वारसी. प्रभु हेलो गॉर्जियस.
आएगी। भाजी कहाँ बैठूं? कहाँ बैठा? बैठो ना। इधर आना। अरे उधर वो बैठे। वो बैठा है। वो कहाँ बैठेगा? उनकी क्या जरूरत है? एक तो फिल्म में अक्षय पाजी, ऊपर से दूसरा महाशरारती इंसान अर्शद भाई। अर्शद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू अर्शद भाई। पिछली बार हमारे शो पे आए थे भूमि पेड़नेकर और माइकल के साथ आए थे। उसके पहले आए थे उर्शी टेरला और कृति खरबंदा के साथ। इस बार आए हैं कृति सैन और जैकलिन के साथ। आपको भाई घर से निकलने में दो हिरन लगती नहीं यार ऐसा नहीं है, किसी और की हिरन होती है ना प्रॉब्लम ये। आपको पता अक्षय भाई अर्चना जी क्या कह रही थी? कहती है तुम्हें पता है फिल्म का नाम बच्चन पांडे क्यों है? क्योंकि जो अक्षय हैं ये काम तो बच्चन साहब जितना करते हैं और खर्चा चंकी पांडे जितना करते हैं। बच्चन पांडे कैसे नाम रखा गया पाजी फिल्म का? एक फिल्म की थी मैंने टशन जी, तो उसके अंदर वो किरदार था मेरा बच्चन पांडे, तो वो किरदार मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो साजिद को भी अच्छा लगा। अच्छा जी, ट्रेलर में कृति एक जगह अर्शद भाई को बोल रही है कि देखो जो सेकंड हीरो होता है वो कभी कभी हीरो को खा जाता है। आपने कभी ऐसा काम निकलवाने के लिए किसी को झाड़ पे चढ़ाया? इनको जिससे भी बात करनी है ना उनको झाड़ पे ही चढ़ाना पड़ता है, तभी आप ये अर्शद और मेरे हाइट वाले जोक चलते रहे। मैंने दो स्टूल खरीदे थे अलग अलग साइज से, तब भी नहीं पहुंचा था। तब भी नहीं। अच्छा एक सीन आप देखना बच्चन पांडे में, जैकलिन एक स्ट्रॉ में नारियल पानी पी रही है, अक्षय पाजी आगे इनके मुंह में स्ट्रॉ डाल के इनका नारियल पानी खींच लेते हैं। मतलब दूसरे लड़कों की फिल्में तो खींचते ही हैं, लड़कियों का नारियल पानी भी खींच रहे हैं। मेरे को 100% श्योर है ये आप ही की क्रिएटिविटी होगी पक्का। बिल्कुल मेरी है, इसमें परेशानी क्या है? नहीं नहीं कोई इसमें, इसमें एक और डायलॉग है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बच्चन पांडे मेरे सर के अंदर स्ट्रॉ डाल के मेरा खून चूस लेगा। हाँ, वो भी आपका होगा? मेरा नहीं हो, दो शरारती लोग इकट्ठे हुए। जिस फिल्म में अक्षय पाजी होते ऐसे ही डायलॉग होते हैं। ट्रेलर में देखा ना जैकलिन रस्सी पे चल रही है, आपने प्रैक्टिस वैक्टिस की होगी उसकी काफी। हाँ, बहुत। एक बार अर्चना जी ने भी ट्राई किया था, दो बड़े बड़े पहलवान बुलाए उन्होंने, दोनों साइड से रस्सी पकड़ी उन्होंने, अर्चना ने पैर रखा, दोनों पहलवान ऊपर से टकराए। आप सच में रस्सी पे चली थी? कैमरा ट्रिक थी? जी जी नहीं नहीं सच में गिर जाती। नहीं इन्होंने रिहर्सल की थी, इन्होंने सच्ची में किया था। हाँ। और साथ में वो डंडा, यू हैड द स्टिक आल्सो विद यू राइट? वो रस्सी जमीन पे रखी थी वो अलग बात है। नहीं नहीं सेट पे कौन तंग करता था आप दोनों लड़कियों को, ये अक्षय पाजी ज्यादा के अर्शद भाई? कोई तंग नहीं करता था, मैं अर्शद को तंग करती थी। इसने मेरे एक पूरे सीरियस सीन में मेरे ऊपर इसने पहले पत्थर मारना चालू किया, उसके बाद मैं बोला लग रही है तो मूंगफली ले ले, फिर मूंगफली मारना चालू किया। अच्छे भाई आपको किसी ने पिलाई है? हाँ मेरे को गलती से किसी ने पिला दी थी, मतलब गलती से नहीं, उसने तो जानबूझ के पिलाई। इनका डाइनिंग टेबल पे सर्व हुआ था, ये चढ़ गई थी इनको। तो मैं तब फिल्मों में नहीं था, लोखंडवाला में रहता था, तो जू से लोखंडवाला जू में मैंने पी ली थी। मुझे बुलाए थे, बोला था कि ये लस्सी है, बादाम वाला दूध है। अच्छा। मुझे पता नहीं चला, तो मैं दो तीन ग्लास घटक गया था। उसके बाद मेरे पास एक गाड़ी थी और मैं जू से लोखंडवाला तक करीबन 15-20 मिनट लगते हैं। तो मुझे अभी भी याद है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इतना गंदा नशा था वो, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा लगने लगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है बहुत तेज जा रही है, झजें। मुझे लगा मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ और जमीन जो है बहुत तेज जा रही है, और मुझे 3.5 घंटे लगे थे जू से अंधेरी पहुंचने में, क्योंकि मैं आहिस्ते आहिस्ते चला रहा था और मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज चला रहा हूँ। मैं और मेरा भाई हमारे अमृतसर में ना शिवाला मंदिर है, तो वहां पे ऐसे शिवरात्रि वाले दिन हम पी के आ गए दोनों, और रिक्शा किया हमने, वो हाथ रिक्शा नहीं होता जो वो वाला, दोनों जब तक घर पहुंचना, मेरे भाई को ज्यादा चढ़ गई थी, तो रिक्शा से तो उतर गए हम, सामने की इतनी सी नाली इसको देख के रोई है, अब इसको कैसे टापेंगे। बड़ा गंदा होता है वो भांग, मतलब जो नहीं पीता उसको कभी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, नहीं। फिर ऐसा घूमता है ना, आपको तो पता ही होगा। ये देखो तीनों पी के बैठे हुए हैं, वाह ये तो भुजिया नहीं खा सकते सबसे इधर वाले, पता ये 250 ग्राम भुजिया लेके आते हैं, 100 ग्राम मुंह में जाता है, बाकी 150 मुंह में फंस जाते हैं। ये मुंह पे बाल है या बाल में थोड़ा सा मुंह है?
Oh, nice to see you. That's a different thing. I can't see you. क्या बात है, वाह! इस रंगों के अवसर पर आपको बहुत बहुत होली. हैं? ये मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ मैं? अब माफ कीजिएगा. वो क्या है कि किसी ने मुझे रंग खिला के मेरे पकोड़े लगा दिए. ये क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे एक काम करिए, हमने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं. आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा. कहाँ? ये कैसे पैर छू रहे हैं आप? ये क्या था? ये मैं अक्षय कुमार स्टाइल में इनको प्रणाम कर रहा हूँ. इन्होंने जो है आज के जमाने को सिखाया है कि कितना झुकना चाहिए और कितना नहीं. और वैसे भी एक बहुत बड़े आदमी ने दो पंक्तियां कही हैं. क्या? क्या? ये पुष्पा झुकेगा नहीं साला. अक्षय साहब, ये पुष्पा तो आज नहीं झुक रहा है. हम तो 70s के जमाने से नहीं झुकते थे. याद है हमने तभी भी कहा था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. खैर, हम जो हैं अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं. क्या बात है? वो जब भी हमारे घर आते हैं हम उनको अल्लू के पराठे, अल्लू के कुलचे, अल्लू के सैंडविच ये सब खिलाते. मतलब कुल मिला के अल्लू को अल्लू बहुत पसंद है. हे बल्कि उनकी फेवरेट गाली भी अक्षय साहब एक ही है. क्या? अल्लू के पट्टे. बचपन साहब, ये होली का मौका है, आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे एक मिनट, होली का मौका है. ये लीजिए, ये हम आपके लिए गुलाब जामुन और ये बर्फी लेकर आए हैं. आप खोल के देख लीजिए सर, खास आपके लिए, आप सब लोगों के लिए. ये क्या है, ना तो बर्फी ना गुलाब जामुन है. ये मिस्टर इंडिया. हाँ, तो इनकी भी फिल्म आई है बच्चन पांडे, तो ना तो उसमें अमिताभ बच्चन है ना चंकी पांडे. हमने कुछ कहा? हम बहुत नाराज हो गए हैं आपसे. अब देखिएगा, हम भी फिल्म बनाएंगे, कुमार वारसी और फर्नांडिस सनन, और आप में से किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे. देखिए फोन है. मेरी अक्षय सर जी, मेरी ताई का फोन आ गया. अच्छा, हेलो. ए परंपरा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जाए. अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं. और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं. हम गरीब आदमी अपना बैकग्राउंड साथ में लेके चलते हैं. अरशद साहब जी, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं आप. मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी. क्या? कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन केड़ा वारसी? पता था. ये आप पहले पूछ चुके हैं. हाँ, तो अक्षय साहब ने नहीं सुना था ना, तो इनको सुनाने के लिए दोबारा बोल रहा. वैसे कृति जी, सनन हो गया हूं मैं आपको देखकर. याद है आपको, आप पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था कि सनन, कृति सनन 1970 की बात है. और आज आपको देखकर मैं सनन हो गया हूं. ये सनन श्रृंखला के जितने जोक्स हैं अब खत्म हो चुके हैं. अगली बार आप हमारे लिए कुछ नए जोक लेकर आइएगा. कुछ काम की बात भी कर लीजिए बचपन साहब. काम दिलवाइए ना अक्षय साहब, प्लीज. इसके काम देखो डायलॉग लिखे हुए. हाथ में लिखा हुआ डायलॉग.
अक्षय साहब आपका तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज काम दिलवाइए। कब तक मैं ये नकली बन के घूमता रहूंगा? है मेरा तो ये हाल हो गया है कि पिछले हफ्ते किसी ने कहा कि कृष्णा का नकली करोगे क्या? मैंने कहा कम से कम उसका तो असली करवाओ। जैकलीन, आपके लिए मैं एक खास चीज लेकर आया हूं। एक मिनट। ऐसे पढ़ते हैं ऐसे? ये क्या है? चिट्ठियां कलाइयां। चिट्ठियां कलाइयां, ये देखिए, ये चिट्ठियां कलाइयां, ये चिट्ठियां आ जाइयां। अर्शद साहब जी, एक जोक के लिए हम रीजनल भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैंने जो है जॉली एलएलबी देखी है। कौन सी? बहुत अच्छा काम किया आपने। ये एक के लिए बोल रहे हैं कि जॉली एलएलबी टू? ये हम लड़वाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग तय करिए कि मैंने किसकी तारीफ की है। बचपन साहब, करने क्या आए आप इधर? मैं इनको बताने आया था कि जॉली एलएलबी में आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कुछ भी पूछ लूंगा। मैं चलता हूँ। बच्चन पांडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फरहाद साहब जी। जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है फरहाद भाई आपका। थैंक यू सर। फरहाद भाई का पूरा नाम है फरहाद साम जी। तो नरेशन देने आप शाम को गए थे कि आपको सुबह बुला? सुबह सुबह जाते हो आप भी नरेशन देने? सुबह ही जाता हूँ सर। हाँ, और शाम को तो घर पे भी नहीं होते, शूटिंग पे रहते हैं जी। कैसे फरहाद भाई? बस सर, आप पे रंग चढ़ रहा है अक्षय पाजी का। बहुत बड़ी अच्छी बहुत फिल्में की हैं इन्होंने, काफी फिल्में मेरी लिखी हैं, डायरेक्ट भी की हैं। सबसे अच्छे इंसान है ये, प्यारे आदमी ये तो है। पर आपका रंग चढ़ रहा है, बॉडी बॉडी बना ली फरहाद भाई ने पहले, मतलब? नहीं, वो पैडिंग पे नहीं है, है? उसको जैसे पैसे मिल जाएंगे खाना भी खा लेगा। आपने इतने हैंडसम आदमी को जी पत्थर की आंख डाल दी जी, नाक भी तोड़ दिया जी, किस बात का बदला लिया? इन्होंने ताश में आपसे पैसे जीत लिए थे क्या? क्या हुआ आपके साथ? नहीं सर, आजकल का फंडा यही हो गया कि अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है, तो बस वही हम लोग ने कोशिश की। और आई थिंक सो वो लुक का भी सबको वो मज़ा आ रहा है, वो आंख का जो बड़ा कमाल का ट्रेलर है भाई, कमाल का एक्शन है, बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी है, बड़ा खूबसूरत ट्रेलर है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी पिछली फिल्म अक्षय सर और कृति मैम के साथ मैंने हाउसफुल की थी, तो उसमें तो बच्चन पांडे था नहीं जी, तो अब बस यही गुजारिश है कि बच्चन पांडे को हाउसफुल कर दो आप लोग सब प्लीज। अर्शद भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। शादी से पहले इनकी फिल्म आई थी होगी प्यार की जीत। हाँ। जैसे ही शादी हुई उसके बाद इनकी फिल्मों के नाम ही बदल गए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जानी दुश्मन, मैंने प्यार क्यों किया। अभी आप स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्में साइन करते हो कि अपने हालात के हिसाब से? पता नहीं, जहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती है मुझे ले लेते हैं। ऐसे होता है लाइफ में। अभी जो मौसम देख के एक्चुअली स्क्रिप्ट साइन करता हूँ, गर्मी में काम नहीं होता मेरे से। स्क्रिप्ट अगर 20-25 डिग्रीज की है तो मैं कर लेता हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं करना। ये भी देखो, यहाँ पे मैंने पूछा था बात, मतलब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 18 डिग्रीज है, मैंने चलते हैं। भाई एक बात और पूछनी थी, इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपका कभी इधर उधर अफेयर वगैरह नहीं हमने सुना? मैंने कोशिश की, हुआ नहीं, नहीं हो रहा। बड़े ऑनेस्ट अर्शद। कृति के बारे में अगर सोशल मीडिया पे कोई गलत कुछ ऐसा लिख दे, कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दे, तो इनकी मम्मी फटाफट उनको रिप्लाई करती है ना? सच्ची में भी कभी लड़ने गई आपकी मम्मी आपके लिए? नहीं, वो अभी ट्विटर तक ही ठीक है। अच्छा। पर उनका ये एक धमकी है, मैं ट्वीट कर दूंगी इसको। सो आई थिंक उनकी जो वो भड़ास है, शी इज द मोस्ट नॉन फिल्टर्ड ऑनेस्ट पर्सन आई नो। सो वो जो दिल में है वो बोलती है। बट माँ बाप ऐसे ही होते हैं। yeah. और होने भी चाहिए। मेरे डैडी, मेरी मम्मी, when they were live, जब भी फिल्म कोई रिलीज होती है, आई थिंक मेरे डैडी मेरी फिल्म कम से कम 14-15 बार देखते थे एवरी जाके। और ऐसे जैसे अपने फ्रेंड को बोलेंगे, और क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चल आप पिक्चर देखते। मैं और टिकट लेते थे, इंटरवल में खाना वाना खिलाते थे और पिक्चर देख रहे हैं। और फिर पिक्चर देखते हो उसको,
तो ये डैडी होते हैं, ये मम्मी होती हैं, तो कोई हैरानगी की बात नहीं है कि तेरी मम्मी किसी को लिखते होते ही ऐसे. यार मैं नहीं लिख पा रही, वो लिख देती है, चलता है. ये तो नहीं मम्मी के नाम से खुद अकाउंट बनाया हुआ है. ये तो सोचा ही नहीं. जैकलीन, आपने अक्षय सर के साथ हाउसफुल में भी काम किया है. जी. इस फिल्म में वो आपके साथ रोमांस भी कर रहे हैं, बाद में आपका मर्डर भी कर देते हैं. What do you think? वो ज़्यादा रोमांस में अच्छे हैं कि एक्शन में? I actually enjoyed the murder. Murder, you हाँ, like? बहुत, हाँ, बहुत मज़ा आया. Because उसकी murder भी तो hit हुई थी. Murder two. No, actually वो पहली बार actually मैं कुछ murder है actually मेरे साथ फिल्म में. तो for me as an actor it was very very fun. New. और यकीन करिए मुझे इस बात में कोई interest नहीं था. वैसे आप बोलती अच्छी लगती, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया. अच्छा सुना, वो नहीं दिखा रहा तू? क्या वो जो सबके इंस्टाग्राम या वो दिखाते हो? पोस्ट का पोस्टमार्टम. हाँ मैं दिखाता हूँ आपको. मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा पाजी के, 60 मिलियन फॉलोवर हैं, पर ये सिर्फ 5 लोगों को फॉलो करते हैं. एक तो ट्विंकल मैम को, वो तो चलो पत्नी है, वो समझ में आया, बाकी 4 सिर्फ प्रोडक्शन हाउस को फॉलो करते हैं. अच्छा, तो किस लिए फॉलो करते हो? कि मेरे को छोड़ के और किसी के साथ तो नहीं फिल्म बना रहे ऐसा? ताकि वो कहीं भाग ना जाए. चलिए आइए आपको दिखाते हैं लोगों के कमेंट्स कितने मजेदार होते हैं. अर्शद भाई नहीं आए ना उसके बाद. अर्शद भाई देखो आप, हमारी जनता कितनी क्रिएटिव होगी. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. फराद भाई आप भी देखिएगा. अक्षय पाजी ने ये फोटो डाला है इंस्टाग्राम पे. 21 years since we have been married and yet it feels like I'm just getting to know her. Thank you for making each day feel like the first. Happy anniversary. पाजी मुबारक, बहुत बहुत. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. मुबारक हो आपकी शादी बालिग हो गई. अक्षय पाजी बीवी को जानने के लिए 21 साल क्या 21 जन्म भी कम पड़ते हैं. बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी. ये बात सही है. किसी लिखा है शादी के 21 साल हो गए हैं बंदा फिर भी हंस रहा है. ऐसे ही लोग ऐसे नहीं लोग इसको खिलाड़ी कहते. और दिखाइए. रोने से क्या फायदा, तू तो जानता ही है. आदमी चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, बीवी के सामने मुस्कुराता हुआ नकली ही दिखता है. वाओ, व्हाट ए स्मार्ट स्टेटमेंट. इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि 21 साल हो गए मुझे आज तक समझ नहीं आई. और आगे दिखाइए. जैकलीन, अरे ये कनिका, भूत पुलिस आउट नाउ. ब्यूटीफुल पिक्चर. दिखाइए कमेंट्स. अगर आप चाबुक ना मारें तो मैं आपके लिए घोड़ा बन सकता हूं. किसी ने रिप्लाई लिखा, भाई साहब मुझे शादी के लिए घोड़ी नहीं मिल रही, आप घोड़ी बन जाओगे क्या? आपको देख के दिल तो कर रहा है प्रपोज कर दूं, लेकिन 2 बच्चों की मां को कैसे मायूस कर दूं? देखो ये कपिल, ये 2 का कपिल टाइप. दुनिया में 2 बच्चे मेरे ही हैं और भी लोगों के हैं. आगे दिखाइए कमेंट. होमवर्क ना करके जाओ तो टीचर भी ऐसे ही देखते हैं. पढ़ा लिखा बच्चा होगा जिसने किया है. ऐसी टीचर तो मैं छड़ी क्या कोड़े भी खा लूं. कोड़े ज्यादा डेस्परेट होगा कोई. अगर आप भूत को पकड़ने वाली पुलिस हो तो मुझे पकड़ लो. दिखाइए और. पिक्चर्स शॉट बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव फोटोग्राफर. ये मैंने फोटो खींची है. हाँ मैंने. अरे हाँ, उसे लिखा हुआ है. फर्स्ट डे ना. मोस्ट एक्सपेंसिव फोटोग्राफर इन द वर्ल्ड, मिस्टर अक्षय कुमार. आइए कमेंट्स देखते हैं. हाँ भाई एक्सपेंसिव फोटोग्राफर तो है, आपके तो कपड़े भी उतर गए. सर जी थोड़ा ध्यान से, भाभी जी ने बाजू वाली की पिक्चर लेते हुए देख लिया तो फोटोग्राफी के लिए आंख भी नहीं बचेगी. शादी ब्याह सगाई मुंडन बर्थडे पार्टीज गृह प्रवेश हर प्रकार के फंक्शन के लिए संपर्क करें फोटोग्राफर अर्शद वारसी. और दिखाइए. पर आप किसकी फोटो ले रहे हो? हाँ, मैं तो ऐसी खींच रहा था. बच्चन और मायरा, ट्रेलर कैसा लगा? बच्चन पांडे, कृति ने फोटो डाला है. दिखाइए कमेंट्स. डेटिंग ऐप से सेटिंग करो तो चॉकलेटी बॉय की जगह पत्थर की आंख वाला मिलता है. ओह, रेगिस्तान में बैठ के क्या ऊंट का इंतजार कर रही हो? इन्होंने 2 गज की दूरी को सीरियसली लिया है.
जब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने आई हो और अचानक से भाई आ जाए। और दिखाइए। अच्छा फराद भाई ने डाला, ये क्या हाल बना के रखा है जानू? जानू कुछ लेते क्यों नहीं? वाह जानू बोल रहे हैं आप। दिस इज द क्लोजेस्ट ही कैन गेट टू अ फेयर। दिखाइए कमेंट्स जरा। ओके फराद भी लाइक, मैं तुम्हारे करेक्टर में जान डाल दूंगा। कंकाल भी लाइक, और मत सुना भाई तेरी स्टोरी सुन के ही मरा था मैं। तीन पैक के बाद मैं भी कंकाल के साथ बात कर लेता हूँ। फराज साम जी भी लाइक, सब कुछ चला गया पर बाल वैसे के वैसे हैं, कौन सा शैम्पू यूज करती हो? जान डाल दूंगा वाज द बेस्ट, पहला वाला सबसे बेस्ट। और दिखाइए आगे। मैं वो वाला चल गया, द नेक्स्ट वन वाज ग्रेट, कहानी सुन के मैं मर गया। वो मैंने देखा नहीं। फाउंड माय सेल्फ द परफेक्ट सेल्फी पार्टनर। हे करण जौहर, हैव वी स्लेट दिस सेल्फी गेम और व्हाट? आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। अपनी अपनी बीवियों को मायके छोड़ने के बाद खुश होकर सेल्फी लेते दो पुरुष। हाईवे पे निकल तो गए, अब दोनों नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। एक चीज तो पक्की है, या तो आपने नया फोन लिया है या फिर नई बाइक। और दिखाइए। खामखा दो बाइक लेके निकले हो, दोनों एक बाइक पे भी जा सकते थे। किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई आगे जाके हीरोइन को बिठाएंगे। और दिखाइए। जैकलिन ने ये फोटो डाला है, दिखाइए कमेंट्स। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। जरूर ये ऊपर चढ़ के बल्ब उतार रही होंगी, फोटोग्राफर ने देख लिया तो पोज बना लिया। आप तो एक साथ चार सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। मैडम पियानो पैरों से नहीं बजता, हाथ से बजता है। कपड़े की सिलाई अच्छी है। और दिखाइए। चार सीढ़ियां चढ़ सकती। फीलिंग लार्जर देन लाइफ, पागलपंती। दिखाइए कमेंट्स। ये लियाना है। अनिल सर के कपड़ों से लग रहा है जरूर ये तीनों उनके ऑटो में बैठ के आए। आई लाइक बदमाश लोग यार ये। जॉन और अनिल सर ने अपना पैर बाहर निकाल रखा है, लगता है इनकी बिना बिल देने भागने की तैयारी है। लड़की तो देने से रही, बिल अर्शद भाई को देना पड़ेगा। अरे ये क्या बात है, ये तो होता ही है, जहां बस वाला रोक ले वहीं चाय पीनी पड़ती है। अर्शद भाई ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर गुस्सा है कि ये दोनों भी यहीं आके बैठ गए। आगे और दिखाइए। When I need some more drama in life, I create my own storm. Nice. Even it's by just holding my own fan for post pack-up shoot. अभी गवारीकर जी, दिखाइए comments. You have already created your own storm. Oh, wow. Wow. मैं भी आपका फैन हूँ, आप मुझे भी पकड़ सकती हो। Nice one, nice. मैडम इससे कपड़े भी सूख जाते हैं क्या? बाल उड़ाने के लिए लड़कियों को ब्लो ड्रायर चाहिए होता है, लड़कों के तो शादी करके ही उड़ जाते हैं। और दिखाइए। आई जज एवरी वन विद वन आई। ओके क्या comments? बात है फराज, दैट्स व्हाई यू गिव वन पत्थर का। कमेंट्स दिखाइए। क्यों दूसरी में मच्छर चला गया? कुछ जज वज नहीं कर रहे, आप एक आंख से देख रहे हो कि सॉस की बोतल चुराते हो, कोई देख ना ले। अच्छा तो एक आंख वाले बच्चन पांडे का आइडिया यहां से आया था। अभी एक आंख से जज कर रहे हैं, जैसे ही बिल आएगा इनकी दोनों आंखें खुल जाएंगी। और दिखाइए। विद द म्यूजिक मास्टरो ए रहमान, द मास्टर माइंड बिहाइंड द सोलफुल म्यूजिक ऑफ अतरंगी रे। दिखाइए कमेंट्स। क्लास के सबसे होनहार बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते, खुश होता प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन है? बड़ी ऐसी आप, ऐसे लग रहे हैं। फोटो खिंच गई अब सांस। फोटो खिंच गई अब सांस ले लो रहमान सर। अच्छा जबरदस्ती पकड़ के खिंचवाई। अक्षय भी लाइक, चलो बेटा तुम्हारा हो गया, अब दूसरे भी फोटो खिंचवाएंगे। रहमान सर भी लाइक, 4 बजे सोया था, इसने 4:30 फिर उठा दिया। और दिखाइए।
अरे रहमान सर को ये तो बता देते कि आधार कार्ड के लिए फोटो नहीं खिंचवानी है। जब घर पर रिश्तेदार आए हो तो इंडियन पेरेंट्स, बेटा इनको गाना गा के सुना। आगे हैप्पी हैलोवीन एवरीवन, आई होप यू स्टे योर क्रेजीएस्ट वियर्डेस्ट सेल्फ। दैट्स टू ब्यूटीफुल हैलोवीन। दैट्स डेलिबरेटली व्हाई शी डिड इट। भाई कौन सी मछली बनी है आप? मर्मेड। पॉम्फ्रेट। अच्छा नहीं नहीं मर्मेड नहीं मर्मेड। अच्छा मर्मेड हमने लगा पॉम्फ्रेट। बहुत पतली है, बॉम्बे डक होगी। पर ये कैसे आते हैं आइडिया कि सुबह उठ के मैं ऐसे कपड़े पहन के और ऐसे बैठ के फोटो खिंचाऊं और फिर उसके बाद स्टाइलिस्ट का आइडिया है। हाय कितने दिखाइए कमेंट्स। इसका 14 मार्च। नो 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 कमेंट्स दिखाइए जरा। कल से समंदर में उतरने का चालू करना पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, मर्मेड अगर ऐसी हो तो हमें इंसान क्यों बनाया। मैं भी बचपन में नल के नीचे ऐसे ही बैठ के नहाता था, सब मेरे को नल परी नल परी। आगे, अगर मैंने भी अपने परिवार का बिजनेस आगे बढ़ाया होता तो मैं आज आपके साथ बैठा होता। किस चीज का बिजनेस था भाई? मछली पकड़ने का। और मछली जल की रानी है, मुझे जैकलिन से शादी मनानी है। किसने रिप्लाई लिखा, हाथ लगाएगा डर जाएगी, तेरी शक्ल देख के वो मर जाएगी। इट्स अ पोएट्री, इट्स अ पोएट्री। और दिखाइए। बस खत्म। अरे वाह भाई, अक्षय कुमार जी, अर्जुन भारती जी, पराज साहब जी जी, ओह माय गॉड, जैकलिन जी, कृति जी, सुनो एक साथ। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ यार। सेल्फी लेनी है साथ में। मैं अपना तारुफ करा देता हूँ सर, मैं सर दामोदर जेठ मलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं। अच्छा, आज भी गिव मी वन मिनट। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ सीट हियर? ऑफ कोर्स वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर मोस्ट वेलकम, हैव अ सीट। ओके, थैंक यू सो मच। खुद ही वेलकम करके, खुद ही बैठ के, खुद ही थैंक यू बोल दिया। ये क्या हेडफोन लगा रखे सर पे? एक मिनट, अक्षय कुमार जी ने वेलकम की, उसके बाद खुद ही थैंक यू की, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं थी? छोटा सा काम मैंने कर दिया, आपको बड़ी आपत्ति हो रही है। बट सर आई एम अ फैन, मैं आपको बताऊं, यू आर सो फिट सर। इस मोहल्ले में आज अगर कोई फिट है तो अक्षय कुमार जी हैं, और अगर कोई फैट है तो वो हूं मैं। और हम दोनों के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो वहां अर्शद वारसी। अर्शद जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप किस ओर जाना चाहेंगे? आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन दोनों बता देता हूँ। आप इस तरफ अगर जाते हैं तो सुबह 4 बजे उठना है, बहुत सारी एक्सरसाइज है और जरा बेस्वाद सा खाना है। और अगर आप इस ओर आते हैं, डबल चीज मार्गरिटा, डबल चीज मार्गरिटा पिज्जा, साथ ही में आप बर्गर, पिज्जा, क्या क्या, मतलब यू नेम इट, ब्राउनी विद आइसक्रीम, 12 घंटे सोइए, कोई नहीं पूछ रहा, सांड की तरह पड़े रहिए पूरा दिन। अलार्म बजेगी, उठा के अलार्म को फेंक दीजिए, कोई नहीं पूछ रहा है। ऐश करो यार, देखिए मोटापे के ऊपर मत जाइए आप, दिस इज जस्ट माई आउटर लेयर। अच्छा, मैंने कल एक्सरे कराया था, अंदर से आई एम अ स्केलेटन। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका और शो है हमारे बाप का। यू डिसाइड। वैसे मैं आपको सच बताऊं अर्शद जी, आई एम अ फैन। मैंने जॉली LLB, जो पहली वाली जॉली LLB मैंने आपकी, आप उसमें वकील थे, वहीं से तो मैं इंस्पायर हुआ और आप वकील बन गए। नहीं नहीं नहीं, वहां से इंस्पायर होकर मैंने फुटपाथ पे सोना शुरू किया। एंड इट इज सो कंफर्टेबल, इट्स वेरी नाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5-स्टार होटल के नॉल, ये चोचले हैं, कुछ नहीं रखा है। ये सुबह सुबह एक तो ये लोग जगा के पैसे मांग लेते हैं, फिर अगर चुपचाप चेकआउट करने की कोशिश करो तो बैग खोल लेते हैं। ये क्या बात है? अगर मैं आपके पर्दे और चादर नहीं ले जा सकता तो काहे के पैसे यार।
अब ये बताओ वकील कैसे बने आप फिर? वकील में कैसे बना? वकील तुम्हें अक्षय कुमार जी की हाउसफुल देख के बना है? उसमें वकील कहाँ थे? नहीं नहीं, जब मैं हाउसफुल देखने गया था तो बाहर टिकटों के लिए लड़ाई हो रही थी। अच्छा, तो लड़ाई देख के वकील बने? नहीं नहीं, लड़ाई देख के तो मैं अंदर गया, मैंने फिल्म देखी, बहुत ही प्यारी फिल्म थी, आई लाफ्ड अ लॉट, वेरी नाइस। तो आप वकील कैसे बने? वकील वो तो फाइनली जब मैं घर गया, मेरे घर पे मेरा रिजल्ट आया हुआ था कि आप पास हो गए, बन गए आप वकील। तो सीधा सीधा नहीं बता सकते थे आप? सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है, है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ हाथ फल को खा नहीं सकते हैं, तो खाया मेरे मुंह ने। और मुंह फल को रख नहीं सकता है, तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने, माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इसे सर्कल। जीवन में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल ए सर्कल, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। लोखंड वाला सर्कल, टू सर्कल, किंग सर्कल, सर्कल। ऐसा वैसा वकील हूँ नहीं मैं, मैं बहुत ही काबिले तारीफ वकील हूँ। लोग मेरी बहुत तारीफें करते हैं, क्योंकि मेरा जब केस होता है ना, मैं उस केस को दूसरी डेट पे जाने ही नहीं देता। पहली में ही क्लाइंट को अंदर करा देते हैं, इसीलिए तो तारीफ करते हैं। ये जल्दी काम खत्म हो रहा है। भाभी जी जो है जज साहब की वाइफ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा? मैं कोर्ट में एंटर करता हूँ, 5 मिनट में केस खत्म, जज साहब फ्री। जज साहब तो खुद जब मेरा केस होता है 10 और काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि आज मोटे का केस है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। मैं खुशियां बांट रहा हूँ। वकील साहब करने के आए आप इधर? मैं यहाँ पे होली का माहौल है, होली मनाने आया हूँ बस। सूंड तो लाए नहीं आप, रंग कैसे फेंकोगे? एनीवे, इनको अवॉइड करते हुए, जैकलीन जी, जी, कृति जी, मेरे जहन में आप लोगों के लिए एक शेर आया है, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। मुंह से अर्ज करना, लेकिन आप इधर उधर से कर देते हो अर्ज, फिर हमें भागना पड़ता है। ठीक है, इशाद, मुंह से अर्ज कर रहा हूँ। तो अर्ज किया है, इशाद। फूलों में फूल गुलाब, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, फूलों में फूल गुलाब, फलों में फल आड़ू, दो ब्यूटी सामने बैठी है, समझ में नहीं आ रहा पहले किसे ताड़ू। वाह, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको पहले जमीन पे गाड़ूं कि आपका पजामा फाड़ूं। शर्म नहीं आती आपको? पजामा फाड़ो तो लगा देना झाड़ू, आपने माहौल को कर दिया है बहुत ही बिगाड़ू। क्या देखिए, बात के ऊपर एक और बात मैंने शेर बना दिया। कोई भी बात आती है ना, मैं पकड़ के शेर बना देता हूँ। ये सब छोड़िए, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। आड़ी तिरछी गाड़ी चलाने से यू ना ट्रैफिक जाम करो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम। What a talent! What a talent! I look forward to your act. Thank you. You're a very good dancer. Thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. Super. भाजी कुछ अफवाहें हैं आप सबके बारे में। अक्षय भाजी, आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अफवाह ये है कि लोग जिम कॉर्बेट जाने से पहले आपसे पूछते हैं कि टाइगर किस साइड दिखेगा। अफवाहें आती हैं। फिलहाल तो YRF में ही दिखेगा। अक्षय भाजी, एक अफवाह ये है कि मुंबई से फ्लाइट लेते वक्त आप हमेशा विंडो सीट लेते हैं ताकि ऊपर से देख सके कि कौन सी जमीन खरीदनी है। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है। आपके बारे में, चलिए बताइए। आपके बारे में ये है कि आप हीरोपंती के 8 साल बाद आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं गणपत। अफवाह ये है कि आप उनकी दाढ़ी पूरी उगने का वेट कर रही थी।
नहीं वो वेट कर रहा था शायद अपनी दाढ़ी उगने का। जैकलीन आपके बारे में फायदा कि आपकी कोई फेक आईडी नहीं बना पाता क्योंकि उनसे आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। ये सही कोई नहीं कर सकता। अर्शद भाई आपके बारे में फवाह है कि मारिया मैम से मिलने से पहले आपको पता नहीं था कि पर्दे भी धुलते हैं। हैं? अच्छा। सच्चे? कैसे? अफवाह नहीं है। सीरियसली? सच्चे? तो मैं ना अकेला रहता था घर में और पर्दे लटते थे, कपड़े वपड़े धुलते, मुझे क्या पता कि पर्दे भी निकाल के धोने पड़े। पर्दे लटके थे, लटके ही थे। तो मरिया घर पे देखी उसने पर्दे, तो उसने ऐसा देखी, उसने हाथ लगाया तो धूल उल निकली और ऐसा टूट गए थे पर्दे, इतने कड़क। तो मैं इतने कड़क हो गए पर्दे टूट जाते थे। तो उसने बोले डू यू हैव चेंज योर कर्टन्स, तो ऐसे पर्दे कौन बदलता है। ऐसा है। अर्शद भाई ये अफवाह है कि फिट रहने के लिए जो खेल कूद जरूरी होता है, तो अफवाह ये है कि इसलिए आप रोज सुबह उठ के लूडो खेलते हैं। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी। चेस खेलते हो? चेस। जैकलीन आपके बारे में अफवाह है कि जब आप बहरीन में रहती थी तो लोग आपको रेडियो बहरीन के नाम से बुलाते थे। जी। देखो असली निकले कैसे, क्या हुआ था? ये बातें सुनो। वाई रेडियो बहरीन? क्योंकि बचपन में मैं ज्यादा बात करती थी, तो जैसे एक रेडियो है। व्हाट हैज हैपेंड नाउ? मैं कम बात करती हूँ। बट क्यों? यू नोटिस कि अब इस आंसर को सुनने के लिए ये यहाँ पर आकर बैठ गया आराम से, कि तुम बोलती रहो, मैं तुम्हें सुनता रहूं। सुनता रह गई। आगे चल। उसके पास बिचारी के पास जवाब ही नहीं है, फिर भी बैठा है और बैठ गया। अभी बड़ी जेठानी नहीं होती जो ताने मारती, वो है ये मेरी। क्या बात है, बच्चन पांडे की पूरी टीम आई हुई है। हेलो अक्षय पाजी। हेलो जी। हेलो अर्शद सर। ऑडियंस 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग भी खाना पीना है, तो अभी ब्रेक अभी तू कर ले जो करना है, आजा कर ले तू ब्रेक। मेरे को 5 मिनट का नहीं 2.5 घंटे का चाहिए, वो भी बॉलीवुड में। कृति सैनन, जैकलीन, ओ अर्चना जी, आपको पता जब भी मैं इतनी ब्यूटी देखता हूँ मेरे गूस गम्स आ जाते हैं। अबे गूस गूस गम नहीं, गूस बम्स होते हैं। जब आते यहाँ पे तो बम का सवाल हो गया। आपको पता है अर्शद भाई जी, नॉर्मल बच्चा जब स्कूल छोड़ता है उसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है ना, इसको 1 लाख कैश दिया, कहते बताना नहीं तुमने कि हमारे स्कूल में पढ़े। इतना तुम कैसी? मुझे ये बताओ तुमने कौन सी फ्रेंडशिप निभाई है? पाजी ये अकेला उड़ीसा में फिल्म करके आ गया पूरी। हाँ। मुझे एक बार भी नहीं कहा चंदू आधी तुम कर लो। मैं जूस पी रहा हूँ कि आधा ग्लास पी के तुझे दे दूँ। इधर बैठ। तेरे को पता सोनी साहब के जो मालिक है उन्होंने तेरे लिए मैसेज भेजा है। क्या है? टीवी शो है कि वेब सीरीज है? नहीं, बोलते कि जितने भी लोग सोनी टीवी देखते हैं ना, अकेले अकेले के घर जाके तूने लोगों पे कपड़ा मारना है, जो आता है ना सोनी का लोगो, वो करना है। यार शो चल रहा है, प्लीज। इतने बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार सर बैठे हुए हैं। खैर तो भाजी दोबारा मार लो, कोई बात नहीं, मैंने देखा। मफलर ले जाओ और अकेले अकेले के घर जाओ और सोनी का लोगो। पर सर मुझे आप बताइए, इसकी किसी बात में नॉलेज नहीं यार, तो मेरा पोर्टफोलियो दिखाओ। पाजी मेरा पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त है, कोई भी देखेगा तो कमाल कहेगा। वो पहले के टाइम पे लोग फोटो खींचते थे, नेगेटिव धुलते थे, ये फोटो खिंचवाने गया उन्होंने पहले इसको धोया। अब ठीक लग रहा है। हाँ तो भाई हम खानदानी लोग थे, मैंने आदमी रखे हुए थे बॉडी वॉश करने के लिए। यार मेरी बात सुनो, पता क्या चक्कर है, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, होली का मौका, अभी तो कह रहे हैं इतने बड़े लोग आए, तू ऐसा मुंह लेके आ गया। फिर वही बात, यार मेरे को बात तो करने दो। सो जैकलीन जी, खबरदार जैकलीन से बात की तो। सो कृति जी, खबरदार कृति से बात की तो। यार ना मैंने जैकलीन से बात करनी, ना मैंने कृति से बात करनी है, तो ये गुलाल क्या है, फराज जी की गालों पे लगाने के लिए लेकर आया हूं। कैसी बातें करते हो यार तुम, प्लीज मेरे को बात करने दो। तो तुम एक नई कोई चीज आती तो मुझे दो बादाम दो और जाओ, मैं तुझे खिला दूंगा। पहले बता इन चारों में से बादाम कौन से हैं। Oh God!
अरे कोई हिंट दो भाई, हिंट दो इसको. बता, इधर वाला तो ड्राई फ्रूट है. ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट है. तो बादाम क्या परांठे होते हैं? तुम यार मुझे केला खिला दो, मैं आजकल डाइटिंग में हूँ. डाइटिंग वो करता है जिसके पास डाइट होती है. कई बार लोग सैंडविच नहीं बनवाते कि भाई ये मत डालना, वो मत डालना, और ये भी रहने दो. ये पीछे खड़ा था, कहता जो जो ये मना कर रहे हैं वो मेरे को दे दो. यहाँ पे क्या करने आया तू? करने गया हूँ यार, होली का मौका पाई. मैं अपने पार्टनर के साथ होली के लिए. कौन है तेरी पार्टनर? बच्चन पांडे की पूरी टीम को भूरी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वाह वाह, आज तू यहाँ क्या कर, इतना अच्छा पिचकारी जैसा मुंह, रंग भर के जा लोगों पे डाल. होली की शुभकामनाएं देने आई हूँ. हो गई शुभकामनाएं, चलो. यार कपूर शर्मा, कम से कम मेरे सामने तो उसको ऐसे मत बोलो. तू पहले निकल फिर चल. चलो. तुम उसको कह दो यार मैं मुंह इधर कर लेता हूँ. पक्का तो मुंह उधर ही कर लो, इधर वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा. ओ, तो मेरी बात सुनो. एक मिनट मुझे हंसने दे. मेरी बात सुनो, उसकी मैं सुन लूंगा, वो फिल्म करके आया. तुम झाड़ू पाछो करके आई हो, फिर भी इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? तुम कौन सा मीटिंग अटेंड करके आए हो? गाड़ी धो के आए हो ना तुम? देख लो फिर, हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं. आओ, मेड फॉर ईच अदर हो जाएं. अरे ये सर, प्लीज आप इसे इग्नोर कीजिए. एज यूजुअल आपको तो पता ही है. मैं जानता हूं, जानता. वैसे सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा. व्हाट अ ट्रेलर. थैंक यू. मतलब क्या डायलॉग्स है, क्या कॉमेडी है. और इधर देख लो, डायलॉग ही डायलॉग, कॉमेडी कोई है नहीं. देखो पूरी, मेरी बात सुनो, ग्राउंड लेवल पे हम दोनों सेम ही हैं. आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ शादी कर लो और मेरे घर की बहू बन जाओ. घर की बहू वो बनाता है जिसके पास घर होता है. होता है. तो मुझे अरे एक सेकंड, तुम मुझे फुटपाथ की बहू बनाओगे? मतलब जैकलिन जी को देखिए, मतलब इनकी किस्मत देखिए, इनके पीछे है इंडस्ट्री का खिलाड़ी, मेरे पीछे है कबाड़ी. अक्षय सर, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कबाड़ियों का कबाड़ी. वाह, क्या और इनकी दोनों की शादी हो जाए, मिस्टर एंड मिसेस कबाड़ी. पूरी देख लो, मेरी बात सुनो, जोड़ी बन गई है. इतना टैलेंटेड लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. आपको ये सही बात बोल रहा है. आपको पता है इंडस्ट्री में ऐसे किसी के पैर नहीं जो इसने छुए नहीं. मेरी बात सुनो, जितना ध्यान तुम मुझ पे देते ना, अपने शो पे दिया था ना, शो डेढ़ घंटे के बजाय 3 घंटे आना था. और शो तो 1 घंटे का है, जे तू 15 मिनट जो आता ना, मुझे सोनी को एक्स्ट्रा शूट करके देना पड़ता है. ये सब जब बातें टीवी पे आती, तुझे बुरा नहीं लगता? एक सेकंड, बुरा तब लगेगा ना जब उसके पास टीवी होगा. हाँ जी. अरे यार, आपको पता है बाजी, एक दिन इनको ना प्रोजेक्टर गिफ्ट किया किसी ने, तब से इनके दादा नंगे घूम रहे हैं. क्यों? क्योंकि धोते टांग के तो सारा परिवार फिल्म देख रहा है. चलो क्या बातें कर रहे हो, तुम चुप रहो. प्रीति मैम, यू कैन जस्ट इग्नोर हिम लाइक एवरीवन एल्स डज. वैसे मैंने देखा आप एक विलन पे मूवी बना रहे हैं फिल्म में. मुझे भी बनानी है एक विलन पे, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप. इनके दादाजी पे बनाओ, बहुत बड़े विलन थे वो. सब्जी काटने वाला चाकू लेके ना ज्वेलरी की दुकान लूटने चले गए. उन्होंने कहते हफ्ता निकालो, उन्होंने एक हफ्ते तक बाहर नहीं आने दिया. फिर चल. एक मिनट रुको, मुझे हंसने दो. हाँ गिर जाओ. और मेरी बात सुनो पूरी, बातें छोड़ो, आओ मेरे साथ होली मनाओ. मेरे गाल कब से तरस रहे हैं तुमसे गुलाल लगाने के लिए? मेरा चांटा तरस रहा है तुम्हारे गालों के लिए. अब मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है. बुरी मेरी बात सुनो, बुरा क्यों मानती हो? मेरे दादाजी ने सिखाया है कि बुरा ना मानो होली है. तेरे दादाजी तो हर चीज पे बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो थोड़ी सी चोरी की है, बुरा ना मानो ये मेरा पोता है. तुम लोगों की दिहाड़ी हो गई ना, चलो अभी निकलो. ऐसे कैसे निकलो? एक मिनट मेरी बात सुनो बुरी, विल यू खेलोगे विद मी होली? नहीं. विल यू? कमी क्या है मुझ में? अरे खूबी क्या है बताओ. खूबी पूछने का टाइम तुम्हारा गया है. हाँ, अब जैसा लड़का मिलता है हाँ करो बस. हाँ. देखो चंदू, तुम ना मेरे सपने देखना बंद करो. मैं गरीब हूँ, बेवकूफ नहीं, जो सपने भी तुम्हारे देखूंगा. तुम्हें पता है
10 मिनट से ज्यादा तुम देखी नहीं जाती। मैंने तो शादी वाले दिन भी तुम्हारी मांग भर के मुंह इधर कर लेना है। अरे इधर का इधर मनाली निकल जाना। मैंने तुम मनाली छोड़ो, अस्पताल जाओ, अपना इलाज करवाओ। तुम त्योहार के दिन भी मूड खराब कर देते हो। पूरी पूरी और मेरी बात सुनो, गुस्सा कर जाती हो। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चन पांडे की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए भाई, अक्षय भाजी, अर्शद भाई, फराज भाई, जैकी, कृति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आज, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चन पांडे के लिए। और दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होली मनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।